वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कभी सेलेस। दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा काइंड मास्टर से प्रोफेशनल टीचिंग किस प्रकार से करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने प्ले स्टोर को ओपन करना पड़ता है। प्ले स्टोर को जैसे आप ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर डालेंगे, सर्च बार में डालेंगे काइंड मास्टर। ठीक है दोस्तों, काइंड मास्टर, ठीक है। अब काइंड मास्टर को क्या करना पड़ता है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये हमारा अपडेट है, ये तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने अपडेट कर लिया इसको। दोस्तों जब तक ये अपडेट होता है तब तक हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और हमारे चैनल को, अगर जो आपको अच्छा लगे वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, ओपन पे क्लिक करना पड़ता है। ओपन पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से कुछ टाइम लेगा, अभी ओपन होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ ऐड आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू टू टैब। ठीक है दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू टैब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। अभी आपको सिंपली यहाँ पे देखना होता है क्रिएट न्यू, आपको क्रिएट नया वीडियो बनाने के लिए आपको क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। ठीक है दोस्तों, क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा दिया YouTube का रेशियो है 16.9। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे Facebook का जो रेशियो है दोस्तों 9.16। ठीक है दोस्तों, Instagram का जो है यहाँ पे दिखा रहा है, सारा रेशियो आपको दिखा रहा है, इमेज उसमें भी दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप पहचान सकते हैं कौन इमेज का है, कौन इंस्टाग्राम, कौन यूट्यूब, कौन, देखिए यूट्यूब, आप ज़्यादातर के यूट्यूबर सिंपली आपको यही बताते होंगे दोस्तों कि यूट्यूब का जो रेशियो है यही है 16.9। ठीक है, 95% दोस्तों आज सिंपली यही है, ये है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन क्रिएट पे क्लिक करना होता है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐड आ रहे हैं, इसको हम, ठीक है दोस्तों, यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और देखिए दोस्तों, ये आपके फ़ोन में चला गया। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो सिंपली आपको क्या करना होता है दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे ये जो आइकन्स दिखा रहे हैं, इमेज एसेट, ठीक है दोस्तों, इमेज एसेट पर आपको सिंपली क्लिक करना होता है। ठीक है, इमेज एसेट पे क्लिक करेंगे आप अपने वीडियो में बैकग्राउंड लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि जो वीडियो चलता है उसके पीछे ब्लैक होता है, या तो ग्रीन होता है, या अन्य कोई कलर होता है, या कोई वहाँ पे फोटो होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज एसेट पे क्लिक करेंगे, इमेज एसेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, अभी आपको सिंपली कटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और ये यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिखा रहा है दोस्तों, इसको आपके वीडियो के अनुसार लेना है, इसको बढ़ा लेना है, ड्यूरेशन जो इसका है वीडियो के अनुसार आपको इसको बढ़ा लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे, यहाँ पे इतना यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अभी आपको ये तो हमारा हो गया बैक साइड में बैकग्राउंड हो गया, अभी आपको सिंपली इस पर एक बार क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फेवरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, फेवरेट वाले नहीं, होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसको नॉन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे काइंड मास्टर के अंदर आपको कितने सेटिंग दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मीडिया का एक ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे लेयर का एक ऑप्शन दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑडियो वाला ऑप्शन दिखा रहा है। ऑडियो पे सिंपली आप अपने वीडियो में बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता है दोस्तों, आप यहाँ से ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। ठीक है दोस्तों, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं,
1 2 3 4 5 ऑप्शन से आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है पहला मीडिया, मीडिया पे सिंपली आप क्लिक करके अपना यहाँ पे वीडियो आप लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मीडिया पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे एक वीडियो लगा लिया हमने, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक वीडियो लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको कटिंग कर लेंगे यहाँ से। कटिंग करने के बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा एक वीडियो है जो हमने शूट किया है, ठीक है। अभी आपको सिंपली क्या करना है, अभी इसको आपको बढ़ा देना है, ठीक है दोस्तों। इसको बढ़ा देना है आपको, ठीक है दोस्तों। अभी आपको क्या करना होता है, ठीक है। अभी आपको सिंपली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एनिमेशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एनिमेशन वाले ऑप्शन पे कुछ फाइड वाले ऑप्शन पे कुछ इस पर फाइड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका जो वीडियो है वो वीडियो हमेशा ब्लिंक होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पॉपअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, पॉपअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो जो है कुछ इस प्रकार से शो होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे राइट साइड दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। राइट साइड से आएगा लेफ्ट साइड दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट साइड से आएगा साइड अप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर से नीचे जाएगा दोस्तों। यहाँ पे साइड अप डाउन ऊपर से नीचे आएगा दोस्तों। यहाँ पे कुकीज, अभी यहाँ पे देखिए घूम के आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी आपको ये जो ऑप्शन दिखा रहा है काउंटर, इस पर एक बार आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से घूमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉप वाला ऑप्शन दिखा रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है तो ऊपर से ड्रॉप होते हुए आएगा, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे स्केल अप पे, स्केल अप पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ऊपर की तरफ में स्केल होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से स्केल डाउन कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए एक कवरेज वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिए कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है दोस्तों। दो वीडियो दिखा रहा है, आपस में जुड़ रहा है, ठीक है। अभी ये राइट साइड से आएगा, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ से देखिए ये लेफ्ट साइड से जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए आपको वाइप अप, अब नीचे से ऊपर की तरफ में वीडियो शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब वाइप डाउन, अब वाइप डाउन तो वाइप डाउन पे आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों तो ऊपर से नीचे होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं पॉपअप, ठीक है। इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा, ठीक है। पॉपअप डाउन, ठीक है दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ में खुलेगा, या तो पॉपअप, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ में खुलेगा, ठीक है। अभी इसको देखिए, ये ऊपर की ऊपर से नीचे की तरफ में खुल रहा है, ठीक है। आप अपने वीडियो पे कुछ इस प्रकार से लगा सकते हैं, इतने जितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, कोई ना कोई एनिमेशन है, ठीक है दोस्तों। सारा चेंज करके एनिमेशन है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक आता है ऑप्शन, नीचे दिखाई दे रहा होगा, एक नंबर पे दिखा रहा है, एक नंबर पे अगर जो आप करेंगे और एक नंबर से यहाँ पे 5 पे कर देंगे तो आपका वीडियो स्लो मोशन में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से स्लो मोशन में हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको सिंपली एक पे क्लिक करके रखना है, अगर जो वीडियो को फॉरवर्ड करना है, आपको आवाज़ जल्दी जल्दी बुलवाना है तो आपको सिंपली इस पर एक बार 1.5 कर देंगे तो ये आपका आवाज़ जल्दी जल्दी बोलेगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया इन एनिमेशन का, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए ओवरऑल एनिमेशन, ठीक है। ओवरऑल एनिमेशन जो है दोस्तों इस प्रकार से सिंपली उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन इसमें भी आ रहे हैं, ब्लिंक शो, यहाँ पे ब्लिंक होगा और आपका फोन में शो होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए फीकर्स, फीकर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो शो होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्लस, प्लस वाला आइकन जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से उस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा आपका वीडियो, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे जिटर दे रहा है, जिटर पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से कुछ इस प्रकार से पूरे वीडियो में आपका वीडियो शो होता रहेगा, ठीक है। अभी आपको सिंपली 410 पे क्लिक करेंगे तो 410 पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो दिखाई देगा दोस्तों। अब रिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन में जो वीडियो चल रहा है वो रिंग की तरफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब धीरे धीरे स्क्रॉल होता रहेगा, ठीक है। अब फ्लोटिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप फ्लोटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से फ्लोट कुछ इस प्रकार से हिल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे
ड्राफ्टिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो शो होगा। अब ठीक है, अभी सिंपली इस पर एक बार क्लिक करेंगे, इस पर जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो शो होगा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, रैन वाला ऑप्शन आ रहा है, रैन वाले ऑप्शन पे सिंपली एक बार क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए काउंटर, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो आपके सामने शो होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से इसका जो कुकीज वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से एनिमेशन आपके वीडियो में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से चले जाते हैं ओवरऑल एनिमेशन, तो पूरा जितने भी सेटिंग दिया है सब सेटिंग तो हमने बता दिया दोस्तों। अभी क्या करना पड़ता है, अभी यहाँ से बैक चले जाएंगे, बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आउट एनिमेशन। ठीक है दोस्तों, ये इन एनिमेशन, ये ओवरऑल एनिमेशन, ये आउट एनिमेशन। ठीक है, अब आउट एनिमेशन पे सिंपली एक बार आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से जो फाइड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो शो होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको ओवरऑल एनिमेशन वाले नॉन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका ये आउट एनिमेशन पे जाना है और फाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो शो होगा सिंपली। अब यहाँ पे साइड राइट साइड, अब देखिए दोस्तों साइड राइट से आएगा और साइड लेफ्ट से आएगा, साइड अप से आएगा, साइड डाउन से आएगा दोस्तों कुकीज। ठीक है दोस्तों, काउंटर कुकीज, स्केप डाउन, स्केल अप, कुछ इस प्रकार से आ रहा है दोस्तों। ठीक है, डिग्री वाला ऑप्शन से आ रहा है। ठीक है, वाइप लेफ्ट, वाइप राइट, वाइप डाउन, वाइप अप, स्नैप क्लोज। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जा रहा है, वीडियो लग रहा है कि भाग रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए स्नैप इनर, ठीक है, स्नैप अप, ठीक है दोस्तों ऊपर जा रहा है, स्नैप डाउन, डाउन में जाएगा, एक्सिट साइड डाउन, एक्सिट साइड नीचे की तरफ में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक्सिट अप, अब ऊपर की तरफ में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सिट राइट, राइट की साइड में ख़त्म हो जाएगा, एक्सिट लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने एनिमेशन वाला जो ऑप्शन था वो हमने पूरा इसको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है एक मिक्सर, मिक्सर वाला ऑप्शन आ रहा है मिक्सर, सिंपली आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों आपका जो भी आवाज़ है दोस्तों कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं 100% देता हूँ और इसको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं इसको बैक चले जाता हूँ और यहाँ से वीडियो को चालू करता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कभी सर्विस। दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपी। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मिक्सचर को तो हमने बता दिया, ये जो स्पीड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये भी स्पीड दोस्तों आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका वीडियो में आवाज़ है उसको स्लो करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आगे की तरफ में स्क्रॉल करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, अब फिर 2 आ जाएगा, फिर 2.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और पीछे की तरफ में स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो ये आपका आवाज़ जो है, जो पहले के तरफ, पहले जो रेडियो पे आते थे जब सिग्नल कट जाता था तो आवाज़ रुक रुक के ऐसे स्लो स्लो में आते थे, तो कुछ इस प्रकार से इसमें आएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर इसको बैक चले जाते हैं। फिर बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिसर्व वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। रिसर्व वाला ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपका वीडियो यहाँ से कट कर लेते हैं। रिसर्व वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ उसमें एनिमेशन आएगा। ठीक है दोस्तों, आप स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से देखिए आपके स्क्रीन में जो वीडियो शो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो आप आधा शो करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके अपने वीडियो को आधा शो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
और ये इस पर आधा शो करना चाहते हैं तो ये इस पर भी हो जाएगा। आप यहाँ से एक राइट साइड का शो करना चाहते हैं बीच से आधा तो भी हो जाएगा, और लेफ्ट साइड करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम आप कर देते हैं। यहाँ से आप करने के बाद सिर्फ बैक चले जाते हैं। बैक चले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्रोपिंग का एक ऑप्शन आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं ये जो मास्क वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको सिंपली हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा वीडियो है स्क्रीन पे शो हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये जो बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं वो बॉर्डर्स अब लग जाएगा तो लग रहेगा कि उसी में है दोस्तों, वीडियो अलग से नहीं लगाया गया है। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए ये हमारा वीडियो जो राइट कॉर्नर साइड है वो थोड़ा क्या हो गया, डार्क हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अगर जो एक शेप्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, शेप्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, सिंपली आप इसको शेप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने वीडियो को किस शेप में ओपन करना चाहते हैं वो शेप आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर का मैंने सिलेक्ट किया है तो ये हमारा वीडियो स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर में आएगा लेकिन वो जो कॉर्नर होता है उसको राउंड में कर देगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा वीडियो है इसको राउंड में कर दिया है। ठीक है, अभी इसको देखिए, इसको सर्कल वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों ये हमारा वीडियो क्या होगा, सर्कल में शो होगा, गोल शेप में शो होगा आपके स्क्रीन पर। यहाँ से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसको क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से शो होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से शो होगा, कुछ इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो शो होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये हॉट वाला ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से आपके फोन में शो होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कुछ इस प्रकार से वीडियो आपका शो होगा। ठीक है, शेप्स में आप अगर जो कुछ करना चाहते हैं तो शेप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को बड़ा कर देता हूँ, इसको भी ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कैमरा पिन वाले ऑप्शन पे दोस्तों। यहाँ से देखिए आपका जो ये राइट कॉर्नर है ऊपर की तरफ में, नीचे की तरफ में, राइट साइड, लेफ्ट साइड दोस्तों कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इसको बैक चले जाते हैं। फिर देखिए जो ट्रांसफॉर्म दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन पे सिंपली एक बार क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दोस्तों। आपको सिंपली एक बार आपको सिंपली क्या करना होता है, सिंपली जैसे आप एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से देखिए, ठीक है दोस्तों, सिंपली वीडियो पे क्लिक करेंगे दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों आ रहा है एक ऑप्शन आ रहे हैं क्रोपिंग कैमरा और फिल्टर वाला एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। आप अपने वीडियो में जो भी आप फिल्टर लगाना चाहते हैं यहाँ से आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कुछ इस प्रकार से देखिए ये कम हो गया, अब लाइट हो गया। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इसमें देखिए वीडियो किस प्रकार से हो गया, इसको चाहें तो अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इसमें आप अपने अकॉर्डिंग घटा और बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ से बैक चले जाते हैं। अब बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक आ रहा है अल्फ़ा ओक्टी ऑप्सिटी, इस पर एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप देखिए ये पूरा जो मैं कर रहा हूँ 100% हो रहा है तो पूरा एकदम लाइट में दिख रहा है दोस्तों। यहाँ से आप इसको डिम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों आपको मल्टीपल ब्लेंडिंग कर सकते हैं। देखिए वीडियो का
इंटरफेस कुछ इस प्रकार से शो होगा, इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे डार्केन, डार्केन वाला ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको पूरा जीरो कर देंगे, तो वीडियो आपका पता ही नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कलर ब्राउन, कलर ब्राउन पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो का देखिए किस प्रकार से शो हो रहा है आपका वीडियो। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे लाइनर बूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से शो होगा, इसको भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। लाइटिंग, लाइटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से आपके वीडियो में लाइट शो होगा दोस्तों। ठीक है, स्क्रीन, ठीक है स्क्रीन वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इसी प्रकार से पूरा देखिए दोस्तों जितने भी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए हमारा वीडियो किस प्रकार से अभी हो गया। ठीक है, liner.jpg, अब इस पर एक बार क्लिक करेंगे, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो शो होगा आपके सामने, कुछ इस प्रकार से पूरा वीडियो चलेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो प्ले करके। वेलकम टू माय YouTube चैनल टेक द विशेष दोस्तों, आप सभी को हमारे ब्लेडिंग वाले ऑप्शन पे। ठीक है दोस्तों, अभी आपको क्या करना पड़ता है, अभी सिंपली आपको जितने भी सारे यहाँ पे ऐड दिखा, यहाँ पे जो सेटिंग दिखाई दे रहे हैं इनको सब अपने अकॉर्डिंग आप अपने वीडियो का कलर, बैकग्राउंड जो भी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अभी आपको बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद दोस्तों अभी आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है एआई सेटिंग। देखिए दोस्तों एआई स्टाइल, यहाँ पे एआई स्टाइल देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो शो होगा। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको वीडियो में टेक सम टाइम लेगा दोस्तों। अभी क्या कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपको क्या करना, यहाँ पे आ गया क्रोमा की। ठीक है दोस्तों, क्रोमा की वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको बढ़ा घटा सकते हैं दोस्तों। इसको भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अभी यहाँ पे शो मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से शो होगा, पूरे वीडियो जहाँ तक जाएगा। नहीं तो यहाँ से आप यहाँ से स्प्लिट कर देंगे तो जितना स्प्लिट में रहेगा उतना ही शो करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए की कलर यहाँ से आता है, आप यहाँ से कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अभी चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, अभी इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैजिक रिमूवर आ गया। मैजिक रिमूवर पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके वीडियो के पीछे एक मैजिक आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ कार्टून्स जैसे आ जाएगा, वो चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, सुपर रेजुलेशन यहाँ पे देखिए, सुपर रेजुलेशन जो दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सुपर रेजुलेशन में क्लिक करके आप देखिए दोस्तों ये इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपको सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है तो आपका छोटा बड़ा हो जाएगा सुपर रेजुलेशन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका अपने वीडियो का आवाज़ जो अभी चल रहा है दोस्तों, इसको यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा IQ। ठीक है, IQ पे आप क्लिक करके कुछ इस प्रकार आवाज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से जितने भी इसमें दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस आप सेलेक्ट करेंगे तो आवाज चेंज होता रहेगा दोस्तों। वेलकम टू माय YouTube। ठीक है दोस्तों, वेलकम टू माय YouTube वाले आवाज पे क्लिक कर देना है और यहाँ से
बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखा रहे हैं रिवर्ब, रिवर्ब वाले ऑप्शन पे सिंपली आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से कुछ नॉर्मल पे क्लिक कर देते हैं। नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए नॉइस रिमूवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये 100% हो जाएगा। तो आपका जो बैकग्राउंड में ये नॉइस जो आ रहा है दोस्तों, जो बैकग्राउंड इमेज नहीं, जो बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है दोस्तों, साउंड को क्या करेगा ये रिमूव कर देगा। नॉइस जो अलग से आ रहा है आपके वीडियो में, जो भी आप वीडियो बना रहे हैं तो अलग से कोई बंदा बोल रहा है तो वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अभी आपको सिंपली ग्रुपिंग वाला ऑप्शन हो गया, फिल्टर वाला, अल्फा, ब्लेंडिंग, इफेक्ट, अपने वीडियो में आप यहाँ से इफेक्ट लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से कुछ इस प्रकार से इस पर सेलेक्ट करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आपके वीडियो में लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए पिंच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से शो होगा। ठीक है दोस्तों, अंदर की तरफ में जाएगा दोस्तों। आप देखिए यहाँ से जीरो कर देंगे तो आपका वीडियो ओरिजिनल वाला आ जाएगा। जैसे आप करेंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से वीडियो आपका यहाँ पे देखिए, मैंने पिंच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ वीडियो को हम चला रहे हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब सिंपली पिंच वाला जो ऑप्शन है दोस्तों उसको क्या करना है, उसको बंद कर देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी एक ऑप्शन और आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है उसका नाम है एडवांस और इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ से एडवांस पे क्लिक करके आप अपने वीडियो में एडवांस सेटिंग कोड डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ से देखिए एक नीचे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो इस तरह से आप करेंगे, इस वाले थ्री लाइन से क्लिक करेंगे तो आपका काइंड मास्टर का सेटिंग कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर जो आप दोस्तों यहाँ पे इसको सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये लाइन वाला हमने क्लिक कर दिया। अभी सिंपली आपको क्या करना है, आपके वीडियो में कट लगाना है। ठीक है दोस्तों, आप कट लगाना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको मान लीजिए हमको ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट करना है तो इसको हमने डिलीट कर, सिंपली आपको उस पर जो भी आपका आवाज़ हो या वीडियो हो या बैकग्राउंड हो, जो भी आपको डिलीट करना है तो सिंपली आपको यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिलीट वाला है, सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। सिंपली आप वीडियो में कट लगाना है दोस्तों, वीडियो में कट लगाना है तो सिंपली आपको अपने वीडियो पर क्लिक करना है और दोस्तों वहाँ पे दिखाई दे रहा है स्प्लिट, इस पर सिंपली आप एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए यहाँ से बीच से कटिंग करना चाहते हैं तो इस पर स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप बीच से कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर मैं बैक चला जाता हूँ, फिर बैक जाएंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा बीच से कटिंग हो गया। ठीक है, अब बीच से कटिंग हो गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे फिर यहाँ पे जाना है, आपको मान लीजिए पीछे वाला भाग को हटा देना है और यहाँ पे या तो राइट साइड में भाग को हटा देना है, पीछे वाला हमको नहीं चाहिए या तो लेफ्ट वाला नहीं चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ से थ्रिम राइट पे क्लिक करके, देखिए राइट पे हमने जैसे क्लिक किया दोस्तों कुछ इस प्रकार से वीडियो हमारा राइट वाला गायब हो गया। ठीक है, राइट वाला गायब हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी आपको सिंपली इस पर क्लिक करके आपका वीडियो लेफ्ट वाला गायब करना है, उसको मिटाना है तो सिंपली लेफ्ट वाले आइकन पे क्लिक करके देखिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो था वो वीडियो गायब हो गया। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पे स्लिप वाला एक ऑप्शंस दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे साइड लेफ्ट एंड राइट टू शिफ्ट द स्टार्ट यो एंड पॉइंट ऑफ द वीडियो, ठीक है दोस्तों। अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दोस्तों ठीक है दोस्तों, जो भी वीडियो का जो भी सेटिंग था वो तो पूरा हमने बता दिया यहाँ पे वीडियो का सेटिंग। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, फोर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब मान लीजिए कि आपके वीडियो में यहाँ पे आवाज़ नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये जो इसको हमने क्या कर दिया, बीच से कटिंग कर दिया, थ्री में स्प्लिट पे कट करके और स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं। पीछे करेंगे तो शो होगा दोस्तों। अभी इस पर सिंपली आपको मान लीजिए आवाज़ को इसमें डाउन करना है, ठीक है। हमको दूसरा आवाज़ लगाना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली ऊपर की तरफ में स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ में स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहाँ जो वॉल्यूम वाला ऑप्शन दिखा रहा है, वॉल्यूम इन्वॉल्व, इस पर एक बार सिंपली क्लिक करके आप इस पर यहाँ से और फिर इंड में लेके जाएंगे, इसको भी स्प्लिट कर देंगे, ठीक है दोस्तों, साउंड को कम कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जब ये इसको वीडियो को हम चालू करते हैं तो देखिएगा इसमें कोई आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारे वीडियो में आवाज़ नहीं आ रहा है। अगर जो आप इस वीडियो में म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये चलिए हमने म्यूजिक को ऐड कर लिया, ठीक है। अभी क्या करना है, हमको यहाँ से म्यूजिक वाले ऑप्शन को जितना हमारा वीडियो हो उतना ही रखना है। तो क्या करना है, सिंपली म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये थ्रीम स्प्लिट पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे इस थ्रीम्स राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा राइट वाला म्यूजिक है वो खत्म हो गया, गायब हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को प्ले करना है। तो वीडियो में देखिए हमारा आवाज़ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया म्यूजिक किस प्रकार से ऐड करते हैं, किस प्रकार से उसको रिमूव करते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा म्यूजिक ऐड करना होता है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होता है। सिंपली इस पर एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर एक बार सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपका जो म्यूजिक लगा था वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी मान लीजिए हमको यहाँ पे अपना वॉइस लगाना है, वॉइस लगाना है रिकॉर्ड, तो यहाँ पे सिंपली एक बार क्लिक करेंगे, सिंपली एक बार क्लिक करेंगे विल यूजिंग दिस द ऐप, सिंपली इस पर एक बार क्लिक कर देंगे और ठीक है दोस्तों। चलिए मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ, फिर से आपको देखिए यहाँ पे एक आवाज़ का आ गया दोस्तों, अभी ऑप्शंस आ गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से आपको वीडियो चालू करके दिखाते हैं दोस्तों, देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमने स्टार्ट पे क्लिक किया तो देखिए ये हम वीडियो के नीचे आवाज़ लगना चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, आपने आवाज़ का भी देख लिया दोस्तों। अभी आपको अपने वीडियो में कुछ टेक्स्ट वेक्स लगाना है दोस्तों, तो अभी आप यहां से क्या कर सकते हैं, लेयर वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर करके दोस्तों यहां पे आप अपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, अगर जो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से अपने वीडियो में इफेक्ट लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से दे रहा है इफेक्ट, यहाँ से आप चूज करके अपने वीडियो में इफेक्ट लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा वीडियो पूरी तरह से क्या हो गया, ब्लर हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये हमारा जो वीडियो है देखिए कुछ इस प्रकार से आपके फोन में शो होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से सिंपली ऑटो इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो दोस्तों सिंपली आप देखिए कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो
शो होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप कोई सा भी ऑप्शन यहाँ से चूज करके आप अपने वीडियो में आप लगा सकते हैं, ठीक है। अभी बेसिक वाले ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे कुछ टाइम लेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो में आ जाएगा, यहाँ से आप यहाँ पे स्क्वायर बन के आ गया दोस्तों। आप यहाँ पे कुछ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, फेवरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अभी इसको क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है दोस्तों। ये हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। अभी दोस्तों आपको मान लीजिए आपको स्टिकर लगाना है अपने वीडियो में, तो आप स्टिकर यहाँ से लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से सिंपली इस पर एक बार सिंपली बेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपका लग जाएगा आपके वीडियो में, ठीक है दोस्तों। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एलियन वाला लगाना चाहते हैं तो एलियन वाला लग जाएगा, बॉल वाला लग जाएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगता है, ठीक है दोस्तों। अब इन सारे को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए इन सारों को डिलीट करना है तो सिंपली जिसको स्टिकर को आप डिलीट करना चाहते हैं उस पर सिंपली एक बार क्लिक करेंगे, वो हाईलाइट हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है दोस्तों। अभी सिंपली डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सिंपली आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। फिर इसको डिलीट करना है तो कुछ इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी डिलीट करना चाहते हैं तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से जितने भी आ रहे हैं दोस्तों इस सारे को डिलीट आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट को भी डिलीट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को भी डिलीट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इसको भी हमने डिलीट कर दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए आप कोई अपना ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो सिंपली इस पर आपको एक बार क्लिक करना होता है, सिंपली दोस्तों आप यहां से इस पर एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों। ये हमारा हो नहीं रहा है कुछ इस प्रकार से, देखिए हो गया। तभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको बैक चले जाना है, इसको भी डिलीट कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसको भी डिलीट करेंगे दोस्तों तो आपका वीडियो पूरी तरह से साफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब लेयर वाले आइकन पर फिर एक बार क्लिक करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर टेक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, टेक्स वाले ऑप्शन पर जो भी आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, टेक्स लगा सकते हैं, ठीक है। यहां से कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आपको यहां पे कुछ इस प्रकार से आप यहां से लगा सकते हैं, इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों इसको अगर जो आपको कलर वोलर करना है तो आप इस पर क्लिक करके आप कलर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी इसको हमने डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी आप यहाँ से डिलीट कर देंगे तभी एक ऑप्शन और आएगा, हैंड राइटिंग वाला ऑप्शन से एक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तभी सिंपली आपको हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, सिंपली हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से जो भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप उंगली से आप इधर उधर ड्रैग करेंगे तो दोस्तों यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ पे लाइन आ जाएगा नीचे की तरफ में, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते, यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से कुछ इस प्रकार से कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये देखिए मेरा दूसरा कलर हो गया, ठीक है दोस्तों। तभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये पूरे वाले ऑप्शन जितने भी हमने ड्रैग किया है यहाँ पे लाइन, इन सबको डिलीट करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं रह गए दोस्तों बताने के लिए। दोस्तों ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर जो वीडियो आपको पसंद आए तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, रिलेटेड वीडियो इस पे मिलते रहते हैं दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।